अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आज के लेक्चर में हम फाइव क्लास साइंस चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 मिड टर्म के स्टडी आउट करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर नंबर 4 का, डिफाइन क्रस्ट। क्रस्ट की तारीफ करें, क्रस्ट क्या है? द आउटर शेल ऑफ द अर्थ, ये जमीन की सबसे बैरूनी तह है। द आउटर शेल ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड क्रस्ट, जमीन की बैरूनी तह क्रस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं? द वार्म ऑफ द सन एवेपोरेट वाटर, सन जो है सूरज की गर्मी क्या करती है? एवेपोरेट वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू फॉर्म क्लाउड्स, सूरज की गर्मी आबी ज़खायर से पानी को बुखारात बनाकर बादल बनाती है। यानी सूरज की गर्मी, जब सूरज की किरणें जो हैं वो पानी के ज़खायर पर पड़ती हैं तो पानी गर्म होके पानी के वेपर्स बनाता है और ये हवा में उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ठंडे होते हैं और ये बादल की शक्ल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिफाइन पोल्यूशन, आलूदगी की तारीफ करें। एडिशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल्स टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड पोल्यूशन। यानी माहौल, एडिशन क्या है? ज्यादती ऑफ अनवांटेड मटीरियल, कुछ ऐसे मादों की ज्यादती जो जरूरी नहीं होते, टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे मादों की ज्यादती दैट मेक इट अनफिट, जो कि फॉर लाइफ, जो कि जिंदगी के लिए अनफिट हो, उसके लिए मौजर हो, इस कार पोल्यूशन। माहौल में गैर जरूरी और नुकसानदेह मादों की शमूलियत जो इसे जिंदगी के लिए मुनासिब बना दे, माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी के असरात बयान करने हैं। आलूदगी के आपने पोल्यूशन के माहौल पर, ह्यूमंस की लाइफ पर, हमारे एनवायरनमेंट पर इसके क्या असरात हो रहे हैं वो बताने हैं। अफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन है, नंबर 1, स्लो डाउन द फोटोसिंथेसिस। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो स्लो हो गया है। रिड्यूस द प्लांट ग्रोथ, जब फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी, इसका प्रोसेस आहिस्ता हो जाएगा, तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो भी कम हो जाएगी। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? काज एसिड रेन, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एसिड रेन जो है वो काज होती है, जिसकी वजह से ट्रीज, फॉरेस्ट एंड अदर एनी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो ये तेजाबी बारिश का भी सबब बनते हैं। नंबर 4, फ्लूटिड वाटर बॉडीज, यानी कि जो वाटर बॉडीज, फ्लूटिड वाटर बॉडीज हैं, काज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल। आलूदा पानी जानवरों, पौधों और इंसानों में बीमारियों का सबब बनता है। जब पानी आलूदा होगा, टाइफाइड की बीमारी होगी, डायरिया होगा, हैजा होगा, पता है ना आपको? नंबर 5 देखें, टॉक्सिक मैटर, जो जहरीले मादे हैं जो कि फैक्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? काज सीरियस डिजीजेस एज कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। जहरीले मादे जैसे आर्सेनिक हो गया, ऑर्गन हो गया, ये जो जहरीले मादे हैं, मर्करी हो गया, ये बीमारियां जैसे कैंसर और दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों का सबब बनते हैं। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग होगी आपको? Yeah! सबको? Yeah!